हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रामर्स, जो इंग्लिश में प्रेफिक्स क्या होता है। प्रेफिक्स को जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग। ठीक है, जो किसी मूल शब्द में लग के उसका मीनिंग बदल, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स बोलते हैं, या रूट वर्ड में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स। इट इज, ठीक है, रूट वर्ड में लग के जब उसका मीनिंग बदल देता है तो उसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं। ये कब रहता है, प्रीमिस क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, What does the prefix pre mean in the word preview? प्री क्या है? तो प्रीव मीन्स क्या होता है आपका, पहले। प्री मीन्स क्या होगा, प्रीव्यू, माने पहले। तो हो जाएगा आपका बिफोर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये देखिए किस चीज का आप पहचानिएगा, ये सबमेरीन है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सबमेरीन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, वॉट डज द प्रेफिक्स सब सब मीन इन द वर्ड सबमेरीन। ठीक है, सबमेरीन में जो सब आया है उसका प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए ये सबमेरीन कहाँ है, ये समुद्र के पानी में है ना। ठीक है, समुद्र में है ना, तो इसका मतलब क्या है, बीलो। सब का मतलब क्या होता है, नीचे, यानी कि बीलो। ये जब मेरीन है, सबमेरीन है, इसका मतलब कि पानी समुद्र के नीचे हो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज द प्रेफिक्स डिस मीन इन द वर्ड डिसएग्री, मैंने डिसएग्री, मैं तुमसे सहमत नहीं होता। डिस का मतलब क्या होता है, तो डिस का मतलब होता है आपका मीनिंग जो हो जाएगा आपका नॉट होता है, मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। आई एम नॉट डिस आई एम डिसएग्री। ठीक है, आई एम डिसएग्री विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रेफिक्स इम इम मीन इन द वर्ड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, एवरीथिंग नथिंग है, बोलते हैं कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। संसार में कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो इम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा नहीं। ठीक है, नहीं मीन्स क्या होता है आपका, नॉट, इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए पिक्चर है और देखिए किस तरह से। ठीक है, वॉट डज द प्रेफिक्स अन मीन इन द वर्ड अनहैप्पी, माने अनहैप्पी का मतलब क्या है, माने जो अनहैप्पी में, हैप्पी में इसको अन का मतलब क्या पूछा गया, प्रेफिक्स जो लगा, तो अन का मतलब क्या होता है, नॉट। मैं क्या हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, यहाँ पे जगह पर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए एक गर्ल से एक बॉय है। ठीक है, गर्ल बॉय, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वॉट डज द प्रेफिक्स री मीन इन द वर्ड री राइट। ठीक है, री राइट में क्या लगा है आपको, आगे री लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, री। तो री का मतलब जो होता है आपका अगेन। ठीक है, री राइट करना, मैंने वापस से लिखो। ठीक है, ये बच्चा वापस से इरेज करके लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रेफिक्स इंटर मीन इन द वर्ल्ड। अब पूछा इंटरेक्ट, बोलते हैं ना डोंट इंटरेक्ट पीपल टू। ठीक है, पीपल मैंने दो पर्सन जब बात करता है उनके बीच इंटरेक्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्ट मीन्स क्या होता है, बिटवीन, दोनों के बीच में इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए दो लोगों को। ठीक है, अगर कोई लोग बड़े बात करें तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए आइसक्रीम में कितना अच्छा फ्लेवर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डज द प्रीफिक्स एंटी मीन्स इन द वर्ड एंटी फ्रिजिड। ठीक है, एंटी होना, एंटी मीन्स क्या हो जाना, ठीक है, एंटी फ्रिज मैंने वो पिघलना। ठीक है, उस क्या होता है, पिघलना। ठीक है, एंटी हो जाना, राइट आंसर क्या होगा, इनसाइड। इनसाइड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स बाई मीन्स इन द वर्ड बाई साइकिल। ये देखिए बाई साइकिल का पिक्चर है, तो बाई का पूछा गया कि साइकिल में जो बाई लगा है उसका मीनिंग क्या होता है, बाई मीन्स क्या होता है, टू होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, टू। इसमें दो टायर है, वन टू। ठीक है, तो मतलब कि बाई साइकिल, टू, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स मल्टी मीन इन द वर्ड मल्टी टास्किंग, बहुत सारे टास्क। ठीक है, टास्क मीन्स एक टास्क होता है आपका। ठीक है, और मल्टी मीन्स बहुत सारा, तो मल्टी मीन्स क्या हो जाएगा आपका, मेनी। ठीक है, मेनी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स पोस्ट मीन इन द वर्ल्ड पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट मीन्स क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं ना, जिस पीजी हो गया आप, पीजी मीन्स क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे आप एमएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, ठीक है, एमबीए करते हैं, ये सब, ये आ जाएगा आफ्टर। पोस्ट मीन्स क्या होता है, आफ्टर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स हाइपर मीन इन द वर्ड हाइपर एक्टिव। अभी दिख रहे बच्चा गेम खेल रहा है और गेम खेलते खेलते तुम हाइपर हो गए, किसी चीज को ना गुस्से में होना, एकदम हाइपर होना है, हाइपर एक्टिव, एनर्जेटिक होना किसी काम को करने में। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसेसिव, उसकी एनर्जी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। कोई देखता है ना अपना झगड़ा करते हुए कितना हाइपर हो जाते वो लोग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स ट्रांस मीन इन द वर्ड
कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, मैंने ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार, ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार करना, क्रॉस, एक क्रॉस जगह, ठीक है, आर पार, अगर मैं बात करूँ ना आर पार, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आर पार, ट्रांस का मतलब क्या होता है आर पार हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स ऑटो मीन इन द वर्ड ऑटोमेटिक, बोलते ये ऑटोमेटिक ओपन हो जा रहा है मोबाइल, ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जा रहा है, ऑटोमेटिक बोल दे रहे तू भी, क्यों बोले ऐसा, व्हाई डिड यू स्पीक ऑटोमेटिक, ठीक है, तो बोलते हैं ऑटोमेटिक तुमने क्यों बोला, इसका मतलब कि ऑटो मीन्स क्या होता है आपका स्वयं, खुद से स्वयं, ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका सेल्फ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स इंट्रा मीन इन द वर्ड इंट्रा म्यूरल, इंट्रा म्यूरल का अगर मैं बात करूं, इंट्रा करना, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इनसाइड, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज द प्रीफिक्स डी मीन इन द वर्ड डीएक्टिवेट, मैंने डीएक्टिवेट होना, मैंने डी मीन्स क्या करना, निकाल देना किसी चीज को, निकाल देना तो रिमूव करना हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स री मीन इन द वर्ड रिकनेक्ट, मैंने वापस से जोड़ना, क्या करते हैं अगेन, इसका मतलब क्या होगा अगेन, रिकनेक्ट करना ना, जैसे हम लैपटॉप को रिकनेक्ट करते हैं, मोबाइल को रिकनेक्ट करते हैं वापस से, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स प्रॉक्स मीन इन द वर्ड प्रोस्पेस, तो प्रोस्पेस का मीनिंग होता है आपका फेवरेबल होना उस चीज का, मतलब कि फेवरेबल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स प्री मीन इन द वर्ड प्रीव्यू, अभी मैंने आपको बताया प्रीव्यू मीन्स क्या होता है, प्री मीन्स बिफोर हो जाएगा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रीफिक्स प्रो, प्रो एक्टिव होना, ये दोबारा आ गया प्रो एक्टिव होना, ये हो जाएगा आपका आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रिपीट हो गया लग रहा है, व्हाट डज द प्रीफिक्स सबमरीन इन, सॉरी सब मीन इन द वर्ड सबमरीन, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सबमरीन, कहाँ पे देखिए, हाँ वहां पे क्वेश्चन ना अंडर दिया था, बिलो दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंडर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर, सॉरी रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन वही था, ऑप्शन अलग था, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये 21 क्वेश्चन थे आज के सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और कमेंट करके बताइएगा किसके फुल आउट फुल मार्क्स आए, और वीडियो कैसी थी, सेशन कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।